हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में ये बायोटिक के न्यूली लॉन्च्ड कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ऑलरेडी हम इसके स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, इसीलिए मैं इनके ये मेकअप प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और इसके सारे प्रोडक्ट्स मुझे अभी मिले ही नहीं हैं, सिर्फ मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर ही मिला है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हैं। तो आज तो हम इस कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में ही बात करेंगे। बायोटिक के जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इनको तीन रेंज में डिवाइड किया गया है। एक मैजिक है और एक इनका मीडियम रेंज है और एक डीवा है, जिसमें अबव 1000 के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जो मीडियम रेंज है उसमें 500-2000 तक के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और जो इनका ये मैजिक है उसमें आपको अंडर 500 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आपका जो भी बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये है मैजिक कॉम्पैक्ट स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग कॉम्पैक्ट पाउडर, और SPF 15 के साथ है, जो कि UVA UVB प्रोटेक्शन देता है। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर स्किन को नेचुरली फ्लॉलेस बनाता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर पर मेंशन की हुई हैं। इसके दूसरे साइड देखें तो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मल्टीविटामिंस और मिनरल से मिलके बना हुआ है, जो कि स्किन को ब्राइटन बनाता है, साथ ही साथ सन से प्रोटेक्शन भी देता है। ये मैट फिनिश देगा, ये लाइट वेटेड है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ये स्किन को ऑयल फ्री बनाता है और कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करता है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 8 ग्राम का पैक है, जिसका प्राइस 145 रुपीज़ है, और आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर लिखी हुई हैं। अगर हम नायका या बायोटिक पे देखेंगे आप, तो वहाँ पर मेंशन है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, साथ ही साथ क्रुअल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, पर इसमें इन्होंने वो सारी चीज़ें कुछ नहीं लिखी हुई हैं। कौन से स्किन टाइप के लिए है और सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा कुछ भी डिटेल्स में नहीं है। इंग्रेडिएंट्स भी मिसिंग है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कि अब पता ही नहीं है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है कि नहीं, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें ये डिटेल मेंशन नहीं है। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इनको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। अंदर से देखूं तो ये कुछ ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर है, जैसे कि आते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर वैसे ही राउंड शेप का पिंक कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर है, और अंदर से ओपन करके देखूं तो ये आपको स्पंज मिल जाएगा। इससे इन्होंने ये कवर किया हुआ है। तो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी इसका कवरेज देख लेंगे कि ये कैसा कवरेज देता है, क्या काम करता है। फ्रेग्रेंस इसकी फ्रेग्रेंस से लगता है कि इसमें हर्बल चीज़ें हैं, और जैसे आयुर्वेदिक ऑयल वगैरह होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस होती है, वैसे ही कुछ इसकी भी फ्रेग्रेंस है। चलिए अब इसको अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो मैं ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ, और आपको जैसे भी अप्लाई करना पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। तो ये ब्लेंड तो अच्छे से हो रहा है, और ये स्किन को ऑयल फ्री भी करता है, और इसका जो शेड है वो इसका शेड है 103 सी शेल, इसका शेड है, जो कि मेरे स्किन टोन को सूट कर रहा है। तो अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है तो आप ये वाला शेड ले सकते हैं। और इसको लगाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करती हूँ, रोज़ रोज़ फाउंडेशन या बीबी सीसी क्रीम तो मैं लगाती नहीं हूँ, मॉइस्चराइज़र के ऊपर डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ, और मेरा आधा मेकअप वहीं हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसे करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा काम नहीं करेगा। लैक्मे हुआ, मेबलिन हुआ, सेम रेंज में ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगा के बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, पर ये आपको नेचुरल कवरेज देगा, कुछ अलग से काम नहीं करेगा। पर अगर आप इसको फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपके मेकअप को सेट करेगा और तभी अच्छा काम करेगा। तो आप खुद ही देख सकते हो, बिफोर आफ्टर काफ़ी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बस स्किन थोड़ी सी ऑयल फ्री लग रही है और थोड़ा सा फ्रेश लुक दे रहा है, इसके अलावा ये और कुछ काम नहीं करता है। अगर आप नेचुरल कवरेज चाहते हैं
तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट ठीक ठाक लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छी कवरेज का कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए होता है। और सेम रेंज में लैक्मे, मेबलिन, स्टेकोयर की पर्पल और एन बाई वे, इनके जो कॉम्पैक्ट पाउडर हैं बहुत अच्छी कवरेज देते हैं और SPF के साथ ही हैं, तो ये मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा कि मैं आपसे कहूँ कि आपको इसको परचेज़ करना ही चाहिए, तो ये ऐसा कुछ खास काम नहीं करता है। पर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये करना ही चाहिए क्योंकि ये ठीक ठाक सा ही प्रोडक्ट है। इसी रेंज में बहुत अच्छे अच्छे आपको कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाएंगे, आप वो परचेस कर सकते हैं। और अगर इसमें सारी डिटेल मेंशन होती, इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते कि ऐसे ऐसे हर्बल चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो भी ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता कि चलो अच्छी चीज़ों से मिलके बना हुआ है तो हम यूज़ करेंगे तो हमारे स्किन पे कुछ डैमेज होने का डर नहीं है। पर वो भी इसमें मेंशन नहीं है तो वो सारी चीज़ें मिसिंग है, तो पता नहीं है कैसे क्या किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो इस पर इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये ठीक ठाक सा प्रोडक्ट है, आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको नायका या पर्पल की साइट से परचेस कर सकते हैं। और आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।